चुनावी साल शुरू होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन में कसावट शुरू कर दी है। आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, बाल कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक लेंगे। कमलनाथ आज कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से संगठनों और प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जिलों में पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा पर भी चर्चा होगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों की संगठन से छुट्टी भी हो सकती है। बैठक में बुलाए गए सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों, महामंत्रियों को अपने जिलों की लिस्ट लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं और इस बैठक में संगठन द्वारा दिए गए कार्यक्रमों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम के गठन पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में कमलनाथ चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को पार्टी के अहम पदों से मुक्त होने के लिए भी कह सकते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक से पहले ही एक जिलाध्यक्ष, तीन प्रदेश सचिवों और सहित कुल 23 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।